हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ओन अदर ब्लॉग। ममता की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दादी माँ के घरेलू नुस्खे 38 वेस्ट किचन टिप्स। नंबर वन टिप्स है, पानी में नींबू निचोड़ कर नहाने से आपकी स्किन चिकनी और मुलायम बनती है। अगली टिप्स है, काले खजूर खाने से कमर मजबूत बनती है और इससे कमर दर्द भी नहीं होता है। अगली टिप्स है, अगर आप रोज़ाना कच्चा प्याज खाते हैं तो आपको कैंसर कभी नहीं हो सकता। अगली टिप्स है, नींद नहीं आ रही है तो नींबू चाट लें, इससे नींद अच्छी आएगी। अगली टिप्स है, जिनको खट्टी डकार आती है बस चुटकी भर जीरा खा लें, इससे खट्टी डकार आना बंद हो जाएगी। अगली टिप्स है, सेंधा नमक शरीर के लिए दर्द को काम करता है। अगली टिप्स है, दांतों में कीड़ा लग जाए तो रात में सोने से पहले दांतों के नीचे थोड़ा सा हींग का टुकड़ा दबाने से कीड़े अपने आप निकल जाएगा। अगली टिप्स है, उनके पेट पे गैस ज़्यादा है बनती है, उनको मेथी दाने का सेवन करना चाहिए। अगली टिप्स है, आपका समय दही नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे आपकी जोड़ों में दर्द, ठंड, जुखाम, खांसी हो सकती है। अगली टिप्स है, खाना खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, इससे खाना अच्छी तरह से हजम नहीं होता है। अगली टिप्स है, अगर आप दिल को मजबूत करना चाहते हैं तो रोज़ाना सेब का सेवन करें। अगली टिप्स है, पैदल चलने से पहले थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए, इसलिए कमज़ोरी नहीं आती है। अगली टिप्स है, कम बोलने वाले इंसान का दिमाग बहुत तेज होता है। अगली टिप्स है, चेहरे पर नारियल का तेल लगाने से चेहरे के दाने ठीक हो जाते हैं और चेहरे पर ग्लो भी आता है, पर ध्यान रखें अगर चेहरे पर नारियल का तेल सूट करता हो तो ही लगाइए। अगली टिप्स है, कई लोगों को अपने कच्चा वेगन खाते हुए देखा होगा, कच्चा वेगन हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इससे इंसान का दिल मजबूत होता है। अगली टिप्स है, मखाना को कच्चा खाने के बजाय थोड़ा सा घी में फ्राई करके थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर खाइए। अगली टिप्स है, ज़्यादा सोचने और ज़्यादा टेंशन लेने वाले इंसान के चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी आती हैं। अगली टिप्स है, सुबह खाली पेट एलोवेरा जूस पीना बहुत फ़ायदेमंद होता है, इससे चेहरे पर ग्लो आता है, ये आपको बीमारियों से बचाता है, साथ ही पेट की जो आते हैं उसमें जलन को शांत करता है। अगली टिप्स है, अगर आपको एक ही रात में चेहरे पर ग्लो लाना है तो एक चम्मच मेथी दाना को रात में पानी में भिगो कर रख दें, सुबह उसकी बड़ी सा पेस्ट बना लें, फिर इसमें एलोवेरा जेल, थोड़ा सा खीरा का रस डाल दें। अब इसको आप अपने चेहरे पर 5 से 7 मिनट के लिए लगा लें। मैं जाऊंगा, फिर हल्के हाथों से मसाज करते हुए चेहरे में पानी से धो लें। अगली टिप्स है, सेब और मूली के एक साथ खाने से शरीर में सफ़ेद दाग हो जाते हैं। अगली टिप्स है, छोटे बच्चों को एक केला रोज़ाना की ज़रूर खिलाइए, इससे उनकी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। अगली टिप्स है, सप्ताह में एक बार नारियल का तेल में प्याज का रस मिलाकर बालों पर मालिश करने से नए बाल उग जाते हैं। अगली टिप्स है, जिनके दांत टेढ़े होते हैं उनका रोज़ाना पुदीना रगड़ना चाहिए, इससे दांत सीधे हो जाते हैं। अगली टिप्स है, हाथों से कपड़ा धोने से दिल मजबूत होता है, हाथों की परेशानियाँ मजबूत होती हैं और डिप्रेशन जैसे बीमारियों से बचे रहते हैं। अगली टिप्स है, अगर आपको बदहजमी में कोई परेशानी हो रही है तो एक गिलास ठंडा पानी पी जाएं। अगली टिप्स है, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान, इसके लिए भी घरेलू नुस्खा है, जिससे दही के साथ बेसन का प्रयोग करें, ये आपकी त्वचा को ब्लीच और साफ करेगा। ऑयली स्किन वाले दूध में गेहूं के आटे का प्रयोग करें, इससे चेहरे से जुड़ी सभी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। अगली टिप्स है, अगर आप अपने बेरंग ओठों से परेशान हैं और गुलाबी ऊँट अपने चाहते हैं तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। सफ़ेद चीनी में के समान मात्रा में कॉफ़ी पाउडर मिलाइए, इससे मिश्रण में जैतून, नारियल के तेल के कुछ बूंदे, नींबू की रस की कुछ बूंदे और धीरे धीरे अपने ओठों पर 15 मिनट तक रगड़ें। बेहतर परिणाम पाने के लिए हफ्ते में से एक बार जरूर लगाइए। अगली टिप्स है, कोल्ड ड्रिंक, डिब्बा बंद जूस, चाय, कॉफ़ी आदि पीने का शौक़ है तो ऐसा करना थोड़ी कम कर दें। इन्हें पिए बिना नहीं रह सकते तो 1-2 दिन के अंतराल में जड़ी बूटियों से तैयार करना जरूर पिए। ऐसा करके आप इन पर पदार्थ से होने वाले नुकसानों को बैलेंस कर सकेंगे। कल में आप तुलसी, काली मिर्च, अदरक, सूट,
दालचीनी लौंग आदि से तैयार कर सकते हैं। वायरल फीवर, कोल्ड फ्लू, सर्दी जुकाम, गले में खराश जैसी मौसमी बीमारियों से बचाव होगा। अगली टिप्स है, लहसुन का इस्तेमाल आप अपने भोजन में अधिक करें, खासतौर ठंड के मौसम में इनके सेवन से आप मौसमी परेशानियों से बचे रहेंगे। अदरक की चाय पिएं या फिर एक छोटा टुकड़ा चबाकर खाएं। लहसुन खाने से पेट की समस्या दूर होती है। दादी माँ के नुस्खे में अदरक लहसुन का सेवन वर्षों से शामिल है। सुबह खाली पेट लहसुन की 2 कली चबाकर खाएं तो पेट के रोग दूर होंगे। अगली टिप्स है, हल्दी का इस्तेमाल काफ़ी समय से है खूबसूरती को बढ़ाने के लिए किया जाता है जा रहा है, तो कच्चे दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाकर चेहरे व हाथ पैर पर लगाइए और हल्के हाथों से मसाज करें। इससे स्किन पर जमी गंदगी बाहर निकल जाती है और चेहरे से लेकर हाथ पैर तक चमक बढ़ जाती है। अगली टिप्स है, खांसी में करेंदा के पत्ते शहद के खाने से आराम मिलता है। अगली टिप्स है, बादाम के तेल के 2-3 बूंदें खाने की आँखों के नीचे लगाइए और रात भर के लिए छोड़ दें। आप सिर्फ 3-4 दिनों में उनके गहरे काले घेरों को अलविदा कह सकते हैं। अगली टिप्स है, अगर अंडरआर्म से बदबू आए तो नींबू के छिलके को उसी जगह पर लगा लो। अगली टिप्स है, रात को सोते वक्त मुंह और हाथ पैरों को अच्छे से धोकर सोएं, इससे नींद अच्छी आएगी। अगली टिप्स है, बासी मुंह जानबूझकर खांसी करने से सीने का मलगम दूर होता है। अगली टिप्स है, ज़्यादा खाने वाले लोगों को बीमारी जल्दी ही घेर लेती है, इसलिए भूख से थोड़ा कम खाना खाएं। अगली टिप्स है, ज़्यादा खट्टी और चटपटी चीज़ें शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। अगली टिप्स है, कच्चा प्याज खाने से महामारी ठीक आती है और दर्द भी नहीं होता है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर, मिस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।